कक्षा 6 पेज 85 का बचा हुआ हिस्सा। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहां पनाह। महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहम्मद का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत अब मेरी इज्जत है, जाओ। दूध का प्रस्थान। तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, हिंदू बेग उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। तातार खां, तो क्या जहां पनाह ने इसका इल्तिजा मंजूर कर लिए। हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। बस आज की मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलतों ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, सल्तनत जाए पर मैं दुनिया की यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। हरि कृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, विकल्प में तलवारों से किसका सामना नहीं किया जा सकता। तलवारों से विद्रोहियों का सामना नहीं किया जा सकता। कर्मवती के अनुसार हिंदुस्तान के लोगों के किस आग में अपना सर्वस्व आ कर दिया, वैमनस्य की आग में। हिंदू बेग और तातार खां कौन थे। हिंदू बेग और तातार खां हुमायूं के सेनापति थे। रानी कर्मवती कौन थी। रानी कर्मवती मेवाड़ की रानी थी। रानी कर्मवती ने किसे राखी भेजी। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी। मेवाड़ का युद्ध किससे हो रहा था। मेवाड़ का युद्ध बहादुर शाह से हो रहा था। सीकरी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। सीकरी का युद्ध राणा सांगा और बहादुर शाह राणा सांगा और हुमायूं के बीच लड़ा गया। कर्मवती ने अपने पति की प्रशंसा में क्या कहा था। कर्मवती ने पति की प्रशंसा में कहा था कि वो अगर होते तो शायद है लोग उनकी तरफ न देख पाते। बाघ सिंह ने युद्ध के विषय में क्या जानकारी दी। बाघ सिंह ने युद्ध के विषय में जानकारी दी कि हमारी पास सेना कम है लेकिन लड़ने के लिए जगह के परिवार। जवाहर भाई ने कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने पर आपत्ति क्यों जताई। जवाहर भाई ने कर्मवती के द्वारा राखी भेजने की आपत्ति इसलिए जताई कि वह आपत्ति को उस प्रकार से
उसने उसके पति ने मेवाड़ की भूमि से ही कसम खाई थी कि मुसलमानों को बाहर वो खदेड़ देगा। तातार खां हिंदू बेग ने हुमायूं से किस बात पर असहमत जताई? तातार खां हिंदू बेग ने हुमायूं से असहमत जताई कि वह किस तरीके से क्या कार्यक्रम कर सकता है, उसकी मदद न करें। अतः उन्होंने ऐसे ही इसको समाधान किया।